Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to discuss about chapter number 10, VSQ. Here some VSQs are should be given that you have to be written in your regular notebook. Okay, let us start. The first one is there. Choose the correct alternatives. The first question is there. What percentage of labor force of India is associated with agriculture activity? भारत के अंदर जो लेबर फोर्स है कितने परसेंटेज लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन इज देयर 52%, 60%, 72% एंड 65%. द आंसर शुड बी 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the contributions of agriculture in the Indian economy? That is 65%, 26%, 62% and 22%. भारत की जो इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर में से कितना हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है इकोनॉमी के अंदर, तो दैट शुड बी अ 22%. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंटेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? भारत में से कितने परसेंटेज प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है जिसमें से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, तो दैट इज 18%, 22%, 28% एंड 35%. आंसर शुड बी 18%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग डन इन भाल रीजन? भाल रीजन में किस तरीके की फार्मिंग होती है? दैट इज वेट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग. भाल रीजन के अंदर जो है दैट इज अ ड्राई फार्मिंग. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज द प्राइम इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. भारत के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है जिसमें लोगों की प्राइम एक्टिविटी क्या है, तो दैट शुड बी अ एग्रीकल्चर, जो कृषि से जुड़ी हुई है. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू बी जॉइन विथ इट. नेक्स्ट वन, डैस इज प्रैक्टिस इन द हाई रेनफॉल रीजन एंड एरिया ऑफ एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी. हाई रेनफॉल जो है या जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है, तो वहां पे किस तरीके की फार्मिंग जो की जाती है, दैट इज अ वेट फार्मिंग. नेक्स्ट ब्लैंक, इन कमर्शियल फार्मिंग डैस क्रॉप्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस. किस तरीके की क्रॉप्स को ज्यादा प्रेफरेंस किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में? दैट इज अ कैश क्रॉप, बिकॉज इट शुड बी अर्निंग अ फास्ट प्रॉफिटेबल एंड मार्जिन शुड बी हाई. नाउ नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम. हियर सम क्रॉप शुड बी गिवन एंड हियर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि किस तरीके की फार्मिंग के अंदर ये क्रॉप जो है कल्टिवेट किए जाते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जुवार, मिलेट, पल्सेस, वीट. दैट शुड बी डन इन टू अ ड्राई फार्मिंग. Afterwards, paddy or vegetables. So paddy and vegetables are should be grown into a zoom cultivation. Next, tea, coffee, cocoa, tobacco, jute. दिस ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मतलब ये सारे जो क्रॉप्स है वो किस तरीके के क्रॉप्स है कि जिसके अंदर हम लोगों को ज्यादा केयर करना पड़ता है, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप शुड बी कल्टिवेटेड इन टू अ प्लांटेशन फार्मिंग. आफ्टरवर्ड सुगर कैन, कॉटन, टबाको. दिस क्रॉप्स शुड बी डन इन टू अ कमर्शियल फार्मिंग, बिकॉज इसका जो अर्निंग है वो मार्जिन भी ज्यादा होता है एंड जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा रहता है. इसके अलावा इट शुड बी जो अर्निंग होती है वो डायरेक्ट कैश में पाई जाती है. दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज अ कैश क्रॉप, या फिर उसको कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, हियर द पार्ट्स वन शुड बी गिवन. दिस VSQ शुड बी राइट इन योर VSQ शुड बी रिटर्न इन योर नोटबुक. थैंक यू.